सो हे गाइस, मोटर व्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइस एक और कम्यूटर बाइक के बारे में, जिसमें आपको अच्छी खासी माइलेज देखने को मिल जाती है, टॉप स्पीड आपको डिसेंट देखने को मिल जाती है, और जिस प्राइस में आती है ना गाइस, मज़ेदार आपको प्राइस यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला। तो आज फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्या प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला 2024 में। तो वीडियो कहाँ से देखते देखना, आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो बात करें गाइस इसके फ्रंट से, तो यहाँ पर आपको ना विंडशील्ड शॉटअप आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, काफ़ी मस्त लगती है। और ये देख रहे हो ना, पूरी मस्त से इंप्लीमेंट की गई है, काफ़ी मस्त लगती है। होंडा की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाने वाली है, पूरी जो आपको सराउंडिंग मिलती है ना गाइस, आपको मैट ग्रे में देखने को मिल जाती है, काफ़ी एग्रेसिव लगती है। और इसकी हेडलाइट की है तो पूछो मत, आपको प्रॉपर एकदम ट्रांसफॉर्मर स्टाइल में आपको इसकी हेडलाइट देखने मिल जाती है, एलईडी में आपको देखने मिल जाती है। देखो लो यहाँ पे एलईडी में आपको यानी ब्रांडिंग भी की गई है, जो कि काफ़ी मस्त है। बात करें गाइस इसमें आपको कैसा वाला हेडलाइट मिलती है, तो आपको यहाँ पे एलईडी में रिफ्लेक्टर टाइप आपको इसकी हेडलाइट देखने को मिल जाती है, और अंदर पूरी की पूरी आपको क्रोम में चीज़ें देखने को मिल जाने वाली, जो काफ़ी मस्त लगती है। ब्लिंकर्स गाइस आपको हैलोजन में ही देखने को मिल जाते हैं। नंबर प्लेट आप यहाँ पर लगाओगे, जहाँ पर अभी SP125 आपको देखने को मिल जाता है। बात करें गाइस इसकी सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलने वाला है येलो कलर में। मडगार्ड गाइस आपको यहाँ पर बॉडी कलर में देखने को मिल जाता है, जो कि मैट ग्रे है, जो कि काफ़ी मस्त लगती है। और यहाँ पर आप इसकी अलॉय व्हील्स भी साथ में चेकआउट कर लो, काफ़ी प्यारी लगती है। इसकी टायर सेक्शन की बात करें ना, तो बहुत मस्त आपको यहाँ पर टायर देखने को मिल जाती है, यानी कम्यूटर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो टायर देखने को मिलने वाली है ना गाइस, 80x100 18 इंच की आपको यहाँ पर टायर देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी मस्त है। और जो अलॉय व्हील्स की जो डिज़ाइनिंग है ना, वो भी काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। फ्रंट में गाइस आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाती है, और रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही इसकी रेयर व्हील्स की बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पर गाइस आपको जो साइज़ मिलती है ना, 100x80 18 इंच की यहाँ पे भी आपको टायर देखने को मिल जाती है, और अलॉय व्हील्स की जो डिज़ाइनिंग आपको सेम देखने को मिलने वाली है, और यहाँ पर भी आपको ड्रम ब्रेक ही मिलने वाली है। सस्पेंशन यहाँ पर आपको ट्विन हाइड्रोलिक टाइप देखने को मिल जाती है, रेड कलर में काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे इंसर्ट्स देखने को मिल जाती है, और ग्रे और रेड का ना गाइस कॉम्बो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। आप बताना कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है। साथ ही गाइस थोड़ी और पीछे की साइड आओगे ना, तो यहाँ पर आप इसकी पहले फ्रेम चेकआउट कर लो, ये आप देख लो, आपको डायमंड टाइप फ्रेम देखने को मिल जाता है, आपको सिंगल हॉर्न यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जो इंजन मिलती है आपको फुल्ली ब्लैकआउट देखने को मिल जाती है, साथ में आपको यहाँ पर किक भी देखने को मिल जाती है। डिटेल में बात करें तो यहाँ पर आपको 124cc के सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve एयर ऑयल कूल्ड सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको BS6 Phase 2 E20 कंप्लाइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। पावर की बात करें ना गाइस, तो 10.72 PS की आपको यहाँ पर पावर देखने को मिल जाएगी, जो आपको मिल जाएगी 7500 RPM में। और टॉर्क की बात करें तो आपको 10.9 Nm की देखने को मिल जाने वाली है, जो आपको मिल जाएगी 6000 RPM में, ठीक है। साथ ही इसकी गियरबॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 5-speed की गियरबॉक्स देखने को मिल जाने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त है, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे स्मूथ शिफ्टिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग भी देखने को मिलने वाली है। थोड़ी सी अंधेरा हो गया लेकिन देख लेना गाइस, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फुटरेस्ट जो मिलती है, आपको रबर पैड मिल जाती है, यहाँ पर आपको सर्कुलर शेप में इसके पिलियन के लिए जो फुटरेस्ट है वो देखने को मिल जाते हैं। और बात करें इसके टैंक के, तो यहाँ पर गाइस काफ़ी मस्कुलर से आपको यहाँ पर टैंक देखने को मिल जाती है, बस टैंक आप चेकआउट कर लो, काफ़ी मस्त लगती है। कैपेसिटी की बात करें तो 11.2 लीटर की आपको यहाँ पर इसकी टैंक देखने को मिल जाती है, फुल्ली मेटल में गाइस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको इसकी टैंक देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि क्रोम फिनिश में काफ़ी प्यारी लगती है। और यहाँ पर आप देख लो, आपको टैंक श्रॉड भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है। थोड़ी पीछे की साइड आओगे तो यहाँ पर आपको SP125 की आपको यहाँ पे स्टिकरिंग में ब्रांडिंग देखने को मिल जाने वाली है, और पीछे का जो पार्टन गाइस है वो पूरा क्लीन देखने को मिल जाता है। साथ ही इसकी ड्रेयर सेक्शन की बात करें ना, तो यहाँ पर आप पहले इसकी ग्रैब हैंडल्स देख लो, थोड़ी सी यूनिक आपको यहाँ पे डिजाइनिंग देखने को मिल जाने वाला सेंटर में, लेकिन बाकी तो पार्ट आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है। टेलम की बात करें तो यहाँ पर गाइस काफ़ी अच्छी आपको डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छे आपको इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वही आपको हैलोजन में ही देखने को मिलने वाला है। टेललाइट हैलोजन में आपको इसके ब्लिंकर्स मिल जाते हैं, और हैलोजन में आपको इसके नंबर प्लेट लाइट भी देखने को मिल जाने वाले हैं। होंडा की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और इस तरफ गाइस आप इसकी एग्जॉस्ट भी चेकआउट कर लो, ऊपर में आपको क्रोम की प्लेट देखने को मिल जाती है, बाकी जो पूरा जो एग्जॉस्ट है आपको पूरा ब्लैक में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त लगता है। और यहाँ पर आपको रेयर ब्रेक लीवर भी देखने को मिल जाने वाली है, और एक बार ना मैं इसकी आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना ही देता हूँ, ठीक है। तो आप बताना गाइस कि कैसी लगी आपको इसकी एग्जॉस्ट नोट, काफ़ी स्मूथ है गाइस, ज़्यादा लाउड नहीं है, एकदम स्मूथ सी आपको यहाँ पर साउंड देखने को मिल जाती है। और इसके लेफ्ट की साइड आओगे ना, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर लो, आपको जो
चेन कवर मिलती है साथ में, क्योंकि इसमें आपको अच्छी खासी आपको चेन की क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। चेन कवर होने के बाद ना गाइस काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे इसकी लाइफ देखने को मिल जाने वाली है इसकी चेन की। साथ ही यहाँ पे आपको स्विंग आर्म जो मिलती है आपको बॉक्स टाइप देखने को मिल जाती है, और स्विंग आर्म आपको यहाँ पर टायर प्रेशर की स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाने वाली है। और इस तरफ आपको छोटी सी साड़ी गार्ड देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी प्लास्टिक आपको यहाँ पर फिनिश देखने को मिल जाने वाले, और जो सीट है ना गाइस उसे खोलने के लिए आपको यहाँ पे की होल देखने को मिल जाता है। बात करें इसके सीट की ना गाइस, तो काफ़ी वाइड से आपके यहाँ पे सीट देखने को मिल जाती है। राइडर के लिए भी आप देख लो काफ़ी वाइड से आपको सीट मिल जाती है, और पिलियन के लिए भी आपको काफ़ी वाइड सीट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और कंफर्ट गाइस काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बहुत सॉफ्ट पैडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बात करें गाइस इसकी सीट हाइट की ना, तो यहाँ पर आपको 790 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, और साथ ही इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm की आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाने वाली, जो कि डिसेंट है। और इसकी कर्व वेट की बात करें तो वो आपको 116 kg की आपको यहाँ पर कर्व वेट देखने को मिलने वाली है। अभी गाइस ज़्यादा तो भारी है नहीं, तो इससे आपको जो पावर टू वेट रेशियो मिलेगी ना काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। ठीक है, सो अब बात करते हैं गाइस इसके हैंडल बार में कि आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। मिरर भी आप चेकआउट कर लो, काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर गाइस आपको हेडलाइट कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, हाई बीम लो बीम पास करने की स्विच, टर्न इंडिकेटर की स्विच, और उसके नीचे आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है। सिंगल हॉर्न है, डिसेंट से आपको लाउड देखने को मिल जाती है। ग्लॉसी ब्लैक में आपको इसके हैंडल बार देखने को मिल जाते हैं होंडा की ब्रांडिंग के साथ। इस तरफ आपको किल स्विच देखने को मिल जाता है विद स्टार्ट देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर गाइस आपको जो क्लच लीवर मिलती है वो आपको डिसेंट में देखने को मिल जाती है। ठीक है, और अब बात करें गाइस इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। इस तरफ गाइस आपको सेलेक्ट एंड सेट का बटन मिलता है। ठीक है, पहले यहाँ पर बात कर ले तो फ्यूल गेज आपको मिल जाएगी, स्पीडोमीटर, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑडोमीटर देखने को मिल जाती है, क्लॉक, एंड यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलने वाला है। सेलेक्ट का बटन प्रेस करोगे ना तो यहाँ पर आप देख लो ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज इंस्टेंट, और ये एवरेज आपको देखने को मिल जाती है, और ये आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी देखने को मिल जाने वाली है। ठीक है, ऊपर में गाइस आपको न्यूट्रल, साइड स्टैंड वार्निंग लाइट, और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की लाइट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर ना गाइस आपको इंजन मैन फंक्शन की लाइट भी देखने को मिल जाने वाली है। और ऊपर की साइड आपको यहाँ पे इको की लाइट देखने को मिल जाती है, क्योंकि ठीक है गाइज आपको डिसेंट से आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही गाइज इसकी आप की भी चेकआउट कर लो, होंडा की ब्रांडिंग ऊपर में आपको देखने को मिल जाती है, और नॉर्मल से की देखने को मिल जाती है। अब इसकी बात करें गाइज इसके वेरियंट्स की भी ना, तो यहाँ पर आपको 3 variants देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक आती है गाइज ड्रम जो अभी आप देख रहे हो, तो आगे और पीछे दोनों में आपको ड्रम मिल जाती है। एक आती है डिस्क जिसमें आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाती है, और एक आती है स्पोर्ट्स एडिशन जिसमें थोड़ा सा आपको ना ग्राफिक्स के चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। नियॉन ग्रीन थोड़ी आपको वहाँ पे इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, साथ ही बात करें ना गाइस इसके माइलेज, इसकी टॉप स्पीड एंड प्राइसिंग की, तो माइलेज आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। 60 से लेके 65 के बीच में आपको यहाँ पे माइलेज देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसकी बात करें टॉप स्पीड की, तो वो भी आपको काफ़ी डिसेंट से देखने को मिल जाएगी। 100 से लेके 105 के बीच में आपको इसकी टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। अब ये तो गाइस एक कम्यूटर बाइक है, अब इससे आप रेसिंग तो करोगे नहीं, इससे चलाओगे आप सिटी में, कम्यूट करोगे तो अच्छी खासी आपको यहाँ पर टॉप स्पीड मिल जा रही है। ठीक है, माइलेज तो बहुत अच्छा मिल रहा है। सो अब बात कर लेते हैं गाइज इसके प्राइसिंग की, अभी आपको रांची में कितनी प्राइसिंग देखने को मिल जा रही है। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 85,804 आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाने वाली है, और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाएगी 1,01,621, जो कि ठीक है गाइज डिसेंट से आपको यहाँ पर प्राइसिंग देखने को मिल जाने वाली है। और ये जो बाइक है ना गाइज अभी आपको हॉरिजन होंडा में देखने को मिल जाने वाली है। शोरूम की सारी क्वांटिटी डिटेल्स अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो आप बताना गाइज मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगी होंडा की SP125 2024 मॉडल। ठीक है, और मेरे को ये भी बताना गाइस कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगी ये वीडियो। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कर देना गाइस, लाइक कर दो ना बहुत अच्छा लगता है, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों पे, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस।